الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا سراجا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ عین باطن سنوار لیں ابو بکر سے نقش عین و وفا کے لا انتہائی محترم مکرم حضرت مولانا سمیع اللہ عارفی اور حضرت اقدس حضرت مولانا راشد صاحب ان کی پرخلوص دعوت پر اور آپ احباب کی محبت کو ایک بار پھر دیکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے سٹیج کے اوپر علماء کرام حضرت مولانا محمد سلمان منیر صاحب اور دیگر علماء بیٹھے ہیں میں اپنی گفتگو کو بہت سادہ سے الفاظ میں بیان کروں گا کیونکہ آپ کے اشتہار کا موضوع ہے قرآن اور صحب قرآن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اس سے قبل صحب قرآن کا کیا حال تھا آج ہم نے بڑے رام سے اشتہار پہ موضوع دیکھ لیا لکھنے والے نے لکھ دیا بیان کرنے والے نے بیان کر دیا لیکن تھوڑی سی پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا آج سے 1490-95-1500 سال لگا لو کہ وہاں پر جب ایک صاحب قرآن نے جس نے قرآن بھیجا ہے جس پہ اتارا ہے اور جو چیز اتر رہی ہے ان تینوں چیزوں کا تعارف کرانے کے لیے جب اس آقا محسن نے محسن کائنات نے
आमिना के लाल ने अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब इस चीज का आगाज किया था तब हालात कैसे थे। आइए जरा उस वक्त के हालाते हाजरा को गुजरे हुए चंद लम्हात की झलकी देकर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कुरान मजीद की दो आयात मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी, दोनों के अंदर लफ्ज़े सिराज का जिक्र हुआ है। एक जगह सिराजम मुनीरा कहा है, दूसरी जगह सिराजम वहा जा कहा है। उलामा बैठे हैं, सिराजम वहाजा जब कहा है तो ये कहा ये दुनिया का चमकता हुआ सूरज, और जब सिराजम मुनीरा कहा है तो उस वक्त निस्बत मेरे और आपके हजूर मक्के के दुर्रे यतीम कुरैश खानदान के सबसे अहम जो बच्चा था, सबसे अहम और अजमत वाली जो हस्ती थी, सबसे प्यारा और नायाब जो जिक्र जिसका करना चाहिए था उसका जिक्र किया है सिराजम मुनीरा कह के। अब देखिए जरा मैं बात को बढ़ाने लगा हूं कि जब सिराजम वहां जा कहा कि चमकता हुआ सूरज, तशबीह कैसी दी है, जब सिराजम वहां जा कहा और जब सिराजम मुनीरा कहा, एक दुनिया का सूरज है जब सुबह निकलता है, जब ये अभी तलू हो रहा होता है इसे बड़े प्यार से, बड़ी चाहत से, बड़ी उल्फत से, बड़ी मोहब्बत और इज्जत की निगाह से अगर कोई छोटा बच्चा इसको आंख टिकटका लगा के देखना चाहे तो मियां देख सकता है। अब बूढ़े की नजर कमजोर है, आंखों में कुव्वत कम है, अब जब ये भी देखना चाहे उसे देख सकता है। जवान आया, सुबह का सूरज तलू हो रहा था, मशरिक से निकल रहा था, इसने बड़े प्यार से देखा। तीसरे चौथे बंदे ने आके पूछा, अरे भाई सूरज की तरफ क्यों देख रहे हो, तो जवाब ये मिलता है, आजा तू भी देख ले, जब दिन के 9 बज जाएंगे, जब दिन के 10 बज जाएंगे, जब 11 बज जाएंगे तब इस सूरज की तरफ कोई आंख उठा के देख सकता नहीं है। अब देखना है तो तू भी आराम से देख ले, क्योंकि इस सूरज की इब्तदा है। इसी तौर और तरीके को मद्देनजर रखते हुए इसी मंजर को जरा जहन में रखिएगा, जब आमिना के लाल ने अब्दुल्ला के बेटे ने अब्दुल मुत्तलिब के पोते हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्के की धरती के ऊपर उस मक्के के बाजारों में, मक्के के पहाड़ों में, मक्के की गलियों में, मक्के के चौकों में जब मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह ऐलान किया, लोगों अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है व लम युलद है, ना उसका कोई शानी है, ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी का जना हुआ है, लोगों वो वहदहु ला शरीक है, वो यकता है, वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, वो बिगड़ी बनाने पे आए तो बना देता है, डबोने पे आए तो डबो देता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तवज्जो करना भीलों की के नौजवान, तवज्जो करना, मेरी बात को जाया ना करना, जिस मोड़ पे लेकर जा रहा हूँ। अब वो मक्के की धरती के अंदर खड़ा होकर वो ये नारा लगा रहा है, मुश्किल कुशा
हुआ, वो रसूल हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी पैगंबर हूँ, अल्लाह भी एक है, मैं आखिरी नबी आया हूँ, और मेरे ऊपर एक किताब आई है जिसको कुरान कहते हैं। जब साहबे कुरान ने अपनी किताब कुरान का तारफ कराया, अब सुबह के सूरज का मंजर जहन में रख रहा, जब ये ऐलान हुआ, जब ये तस्करा हुआ, तो उस वक्त मक्के के चौधरियों ने जिस तरह चाहा मोहम्मद को सताया, मोहम्मद को तड़पाया। छोटा आया उसने भी ताना दिया, बड़ा आया उसने भी ताना दिया, बूढ़ा आया उसने भी ताना दिया, और मोहम्मद की आंखों में आंखें डाल के मोहम्मद को ताना देकर चला गया। लेकिन जब सिराजों वहां जा चमक गया, दिन के 9 बज गए, दिन के 10 बज गए, अब कोई उस सूरज की तरफ देख सकता नहीं। रब भी कह रहा है मेरे नबी घबरा नहीं, जब तेरी किरणें अबू बकर उमर की शक्ल में आएंगी तेरी तरफ भी कोई देखेगा नहीं। फरमाया तेरी तरफ भी कोई देखेगा नहीं, कोई तेरी तरफ उंगली उठाएगा नहीं, कोई तुझे ताना देगा नहीं। मेरे मोहम्मद घबरा नहीं, एक वक्त आएगा तेरी किरण तेरी शुआएं अबू बकर की शक्ल में उठ जाएंगी, अरे तलू हो जाएंगी, उमर की शक्ल में तलू हो जाएंगी, उस्मान की शक्ल में तलू हो जाएंगी, अली की शक्ल में तलू हो जाएंगी। नबी घबरा नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब तेरी तरफ कोई आंख उठाएगा तेरे गुलाम उसकी आंख निकाल के हथेली पर रख के घर भेज देंगे। वो वक्त दूर नहीं है जब ये मोहम्मद अरबी के गुलाम, अब सूरज चमक गया पूरे उरूज पे है, दिन के 11 बजे, बताओ कोई आंखों में आंखें डाल के दुनिया के सूरज को देख सकता है? बताओ भाई, जोर से बताओ। हजरत तशरीफ ला रहे हैं भाई, नारे तकबीर अजमत मुस्तफा अजमत सहाबा, नारे तकबीर तो जो कीजिए। अब कोई सूरज को देख सकता नहीं, दिन के सूरज को देख सकता नहीं, यही वक्त जब आमिना के लाल अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मक्के की धरती के अंदर मक्के के चौक और चौराहों में मक्के की गलियों में इस कुरान का तारफ कराया, तो उठाने वालों ने, किसी ने पत्थर उठाए, किसी ने नेजा उठाया, किसी ने पागल कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने दीवाना कहा, तो मुझे वो वक्त याद आया, फिर मोहम्मद अरबी ने कहा होगा, अरे ताने देने वालों घबराओ नहीं, मैं भी घबराया नहीं, एक वक्त आएगा कि जब तुम सबका नाम खत्म हो जाएगा, नाम रहेगा तो या अल्लाह का रहेगा, या मोहम्मद का रहेगा, या मोहम्मद के कुरान का रहेगा, या मोहम्मद के गुलाम सिद्दीक का रहेगा, उमर का रहेगा, उस्मान का रहेगा, अली का रहेगा। दुनिया ने वो मंजर देखा, मक्के की धरती ने वो मंजर देखा, जिस गलियों में मोहम्मद को कोई जानता नहीं था, उन गलियों में मोहम्मद फाते बन के आया। इसलिए हमने कुरान भी पढ़ना है और साहबे कुरान की बातों पे अमल भी करना है। अमल क्या है? कुरान क्या कह रहा है? कुरान ये कह रहा है कि आओ अपने बच्चों को मुझसे ताल्लुक बना लो। अगर कुरान मजीद तुमने याद कर लिया, अमल कर लिया, याद रखना एक दिन मैं वो कुरान तुम्हारी मुलाकात साहबे कुरान से कराऊंगा, तुम्हारा तल्लक साहबे कुरान से कराऊंगा, और मोहम्मद अरबी के हाथों से तुम्हें जामे कौसर पिलाऊंगा, पिलाकर तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा। बच्चों को कुरान पढ़ाओगे? वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।